नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का ये चीड़ का जंगल, जिसमें आपको बताएंगे जो उत्तराखंड का लीसा पूरे हिंदुस्तान में अपना रंग दिखाता है, ये कैसे निकलता है और कैसे आम जनता तक इसका मटेरियल पहुंचता है। दोस्तों, ये चीड़ का जंगल है, इसमें से पहले छटनी होती है कि कौन सा पेड़ लीसा देने लायक तैयार हो गया है। तो शुरू से लास्ट तक बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि लीसा कैसे निकलता है। दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये एक पेड़ तैयार है। तो इसमें पहले कार्रवाई क्या होती है, अभी मैं आपको यहाँ एक हैं जो लीसा निकालते हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं, अब ये जो लीसा निकाल रहे हैं इनसे आपकी ज़रा बातचीत कराते हैं। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? लीलाधर। लीलाधर, ये आप कैसे निकालते हो लीसा, ज़रा हमको बता देंगे शुरू से लास्ट तक? पहले इसमें हम छीलते हैं। अच्छा। उसके बाद हम इसमें गमला ठोकते हैं। अच्छा। उसके बाद चीरे मारते हैं जी। 3 दिन के बाद हमारा माल तैयार होता है। अच्छा। फिर उसके बाद पोछान होता है, टीन हुआ हम कनिस्टर हुआ उसको भरा जाता है। अच्छा, कैसे छीलते हैं इसको? छीलिए, पहले छील के दिखाइए। देखिए, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, पर लगता है पता नहीं इनको वो मजदूरी मिलती होगी, शायद नहीं मिलती होगी इसकी। हर पेड़ में पहले इनको ऐसे छिलाई करनी पड़ती है। एक पेड़ को तैयार करने में तकरीबन 5 मिनट तो लगते ही हैं। देखिए दोस्तों, ये तो शुरुआत है, अभी लीसा अभी नहीं निकलेगा, लीसा तो कुछ दिन बाद निकलता है। अभी तैयारी चल रही है कि क्या क्या कार्रवाई होती है पहले। हाँ, अभी ये देखो दोस्तों, ये छील दिया है। हाँ तो लीला जी, अब क्या करोगे इसमें? हम इसमें गमला ठोकेंगे। अच्छा, गमला ठोकिए। ये देखिए जी, गमला ठुक चुका है। अब क्या होगी कार्रवाई लीला जी? इसमें हम चीरे मारेंगे। अच्छा जी, ये देखो। हाँ, लगाइए, ताकत लगती होगी लीला जी इसमें? तो ताकत लगती है बहुत। अच्छा जी, अच्छा। अब ये क्या डाला इसमें? इसमें हम आप थोड़ा हल्का सा तेजाब डालते हैं। अच्छा, डालिए। अच्छा, ये अच्छा लीला जी, अब कब निकलेगा इसमें लीसा, कब भरेगा ये? ये 3-4 दिन के बाद भर जाता है। अच्छा, भर जाता है 3-4 दिन के बाद। चलो, अभी हम अगली कार्रवाई करवाते हैं आपसे, 2 दिन रेस्ट करते हैं, फिर 3 दिन बाद आएंगे। सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके लीला जी। देखिए, अभी 3 दिन के बाद हम फिर वहीं पहुंच चुके हैं, उसी पेड़ पर। देखो, देखते हैं भरा है या नहीं भरा है। हाँ देखिए, भरा हुआ है। अभी इसको कैसे निकालेंगे लीला जी बताएंगे। हाँ लीला जी, आप बताइए, आप कैसे निकालेंगे इसको? हम इसमें फिर दोबारा मारेंगे चीरे। अच्छा जी,
फिर मार दिया हमने सीधा। अच्छा, ये दोबारा माल निकलेगा इससे फिर? हाँ जी, दोबारा आएंगे हम तीसरे दिन के बाद। अच्छा, ये तैयार हो गया हमारा जी। अब इसको हम अपने टीन में पलटी करेंगे। हाँ, ये पलटी कर दिया हमने, अब इसको हम दोबारा इसमें ठोक देंगे। अच्छा लीला जी, तीन दिन के बाद फिर आप यहीं पर आओगे ना? ठीक, तीन दिन के बाद हम यहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अभी ये बताओ लीला जी, इसकी लागत क्या मिलती है आपको? इससे जो टीन आपका भर चुका है, इसको 200 रुपये मिलते हैं एक टीन के। हाँ जी, तो एक टीन को भरने में तकरीबन कितने दिन लग जाते हैं आपको? हमको 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते में आप अगर हर पेड़ का नंबर लगाओगे तो हफ्ते में आप 2-3 टीन निकल जाते हैं ना? हाँ जी। अगर 3 टीन भी समझते हो तो 3 × 600 रुपये, 600 रुपये हफ्ते के हो गए, 6×24। तो इसमें तो आपका गुजारा कैसे चलता है फिर? दोबारा हम कहीं काम करते पार्ट टाइम। अच्छा, पार्ट टाइम और काम भी करते हो? हाँ जी। चलो बढ़िया है। तो ये फिर आप किसको देते हो? ठेकेदार को? ये ठेकेदार को देते। ठेकेदार फिर आगे भेजता होगा? ठेकेदार आगे भेजता है। अच्छा, फिर इसका रॉ मटेरियल जो जाता है फिर कहीं ये पक्का होके फिर ये प्लेन्स तक पहुंचता होगा फिर? हाँ जी, ये फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से बन के फिर। अच्छा, क्या क्या बनता है इसका? एक्चुअल में क्या क्या बनता है इसका सामान, क्या क्या बनता है इसका? तारपीन तेल। तारपीन तेल और जो वाइनिस। अच्छा, वाइनिस। हाँ जी। और इधर चूड़िया उड़िया बनती है, उसमें भी काम आता है क्या? ये चूड़िया में भी काम आता है। अच्छा, चूड़िया में भी काम आता है, प्लास्टिक के आइटम। अच्छा, बाकी जो ये जो रॉ मटेरियल जो खराब जो बच जाता है तो उसका क्या करते हैं? तो मैंने सुना था जो रोड में डामर वाला होता है वो तो लास्ट में कचरा उसमें शामिल होता होगा ना? हाँ जी, जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी आपका। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, ये देखो, ये चीड़ का पूरा जंगल है। ऐसे ही लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी इनको वो लागत नहीं मिल पाती है कि बिचौलिया बहुत हैं बीच में, ठेकेदार लोग हैं, उसके बाद भी और भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये भी एक उत्तराखंड में रोज़गार भी है पर दिहाड़ी सही नहीं मिल पाती है, इस वजह से उत्तराखंड में दिक्कत है। तो लीसा बहुत अमूल्य है एक प्रकार से। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में बताना। मैंने आपको उत्तराखंड का आज ये लीसे के बारे में बताया, आगे भी कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो बाहर रहते हैं उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।